हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। वो भी 100% एनसीईआरटी से बेटा, ओरिजिनल एनसीईआरटी से, असली पढ़ाई, कोई एनसीईआरटी बेस्ड नहीं। क्योंकि अब आपके चाहे वो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वो बेटा नीट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, 100% एनसीईआरटी ही आता है। और नीट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी ज़रूरी है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़िए। तो बच्चों, हम लोग अब जो है आज इस लेक्चर में देखेंगे पॉलन पिस्टिला इंट्रैक्शन। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन का मतलब पराग स्त्री केसर संकर्षण, मतलब पराग और स्त्री केसर में वर्तिकाग्र के बीच में जो बेटा इंट्रैक्शन होता है, जो बातचीत होता है, उसको हम लोग देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि इस बातचीत का क्या फ़ायदा है, ये बातचीत क्यों ज़रूरी है, और ये इंट्रैक्शन, ये संकर्षण आखिर होता कैसे है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है इसको देख लेते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे पहले से ही नोट से बना के रख लिया है थोड़ा बहुत, क्योंकि बायोलॉजी में ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना हम जो है कम से कम लिखने का प्रयास करें, उतना हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, हमारा समय बचेगा ना। और क्योंकि चीज़ें हमको सिर्फ लिखनी नहीं है, वो अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से उसको याद रखना है, ताकि क्या है, कम टाइम में ज़्यादा हम क्वेश्चन अच्छे से आंसर कर सकें। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला हमारे पास जो पॉइंट है वो है पराग कण बिल्कुल सही प्रकार के। बेटा क्या है कि पराग कण बिल्कुल सही प्रकार के पराग कणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं करता है। मतलब महाराज, ये बात हो रही है कि ज़रूरी नहीं कि जो पॉलिनेशन हुआ है, जो परागण हुआ है ना, वो क्या हो बेटा, स्त्री केसर तक, वर्तिकाग्र तक सही पॉलन ही पहुँचा हो। अब आखिर मतलब सही पॉलन का क्या भैया? पॉलिनेशन क्या है? वायु के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है। वायु से उड़ करके ज़रूरी नहीं है कि उसी प्रजाति का, उसी स्पीसीज का पॉलन क्या है, उसी क्या है स्पीसीज के वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा तक पहुंचा हो। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि आखिर पॉलिनेशन है क्या, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू क्या है, स्टिग्मा, मतलब पराग कणों का पराग कोष से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही परागण कहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो पहुंचा है वो सही ही पहुंचा हो। तो आइए देखते हैं फिर सही क्या होगा, राइट टाइप ऑफ पॉलन क्या होगा, सुयोग्य पराग कण क्या होगा, अयोग्य पराग कण क्या होगा। तो पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द क्या होता है, पॉलिनेशन ऑफ राइट टाइप पॉलन ग्रेन। याद रखिएगा, कोई गारंटी नहीं है कि सही वाला ही जाएगा। तो आगे देखते हैं कि बेटा क्या होता है कि पराग कणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं करता है। मतलब यहाँ पे लिखा है सही प्रकार का, सही प्रकार का होगा सही प्रकार, मतलब सही प्रकार का पॉलन उसी कहेंगे कि उसी स्पीसीज का हो, मतलब उसी प्रजाति का पॉलन हो। और क्या हो बेटा, दूसरे क्या हो पौधे का, मतलब सेम पौधे का भी ना हो। किसके लिए? क्रॉस पॉलिनेशन के। कि सही प्रकार का पॉलन क्या होगा, राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा बच्चों कि ठीक उसी प्रजाति का, ठीक उसी प्रजाति का जो हमारे पास बेटा होगा सुयोग्य पराग वर्तिकाग्र तक पहुँचे, ये वाली बात हमारे पास होती है। कि वो कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि पॉलिनेशन के द्वारा सही प्रकार का ही पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंचा हो। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि आखिर सुयोग्य पराग किसे कहेंगे, सुयोग्य क्यों हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, कंपैटिबल क्या है पॉलेन, कंपैटिबल मतलब सुयोग्य होता है, ये आप देखिए। तो उसी प्रजाति का क्या होगा बेटा, उसी प्रजाति का हो पहली बात, तब हम उसे सुयोग्य कहेंगे। और अगर क्रॉस पॉलिनेशन पर निषेचन करवाना है तो क्या हो, उस पौधे का ना हो, उस पौधे का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। उसमें हम लोगों ने देखा है कि पौधा क्या होता है, दो तरीके के फूल क्या है उत्पन्न कर सकता है। एक ऐसा होगा जिसमें नर और मादा जननांग दोनों होंगे, तो उसे बाईसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, पिछली वीडियो में हमने देखा था।
और जब एक ही प्लांट में अलग अलग फूल हों, कि एक फ्लावर क्या हो मेल हो, दूसरा फ्लावर क्या हो फीमेल हो, उसे हम बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब एक ही क्या है पौधे के दो पुष्पों के बीच क्या होता है बेटा पॉलिनेशन होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं जिटेनोगेमी कहते हैं। तो जिटेनोगेमी में भी क्या होता है इनब्रीडिंग हो जाएगा, क्योंकि वो जेनेटिकली सेल्फ ही माना जाता है। तो बेटा उसी प्रजाति का हो और क्या हो दूसरे पौधे का परागकण हो, कहाँ का बेटा दूसरे पौधे का हो, किसके लिए क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। अगर सेल्फ पॉलिनेशन न स्वयुग्मन हमारे पास होगा तो स्वयुग्मन में हम क्या कह सकते हैं बेटा कि उसी पुष्प का पॉलन भी हो सकता है या उसी पौधे के दूसरे पुष्प का भी पॉलन हो सकता है जो जिटेनोगेमी सजातीय पुष्पी में देखे थे। तो बेटा अयोग्य परागण क्या होगा, अयोग्य परागण आप समझ गए कि जब कोई दूसरी जाति का होगा, दूसरी जाति का मतलब जैसे हमको जो है पॉलिनेशन करवाना है किसमें बेटा गेंदे में, लेकिन वहाँ पे आ जाए गुलाब के फूल का पॉलन तो क्या होगा, तब बेटा पॉलिनेशन हुआ, लेकिन पॉलिनेशन में ये गारंटी नहीं है कि वो सही आया था, मतलब वो अयोग्य चीज़ आ गई ना। पपीते में पॉलिनेशन होना है और पपीते के क्या है बेटा वर्तिकाग्र में किसका बैर का आ जाए तो ये क्या हो अयोग्य, मतलब ये दूसरी हमारे पास चीज़ हो गई, दूसरी प्रजाति हो गई। एक ही प्रजाति का होगा तो योग्य माना जाएगा और दूसरी प्रजाति का होगा तो अयोग्य माना जाएगा। और क्या होगा अयोग्य कैसे होगा कि अगर हमको क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है तो वो दूसरे पौधे का हो, और अगर बेटा उसी पौधे का आ गया तब भी क्या है वो अयोग्य माना जाएगा, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पॉलन क्या है दूसरे प्लांट का होना चाहिए। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जिसमें हमने ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी देखा है उसमें क्या है उसी पौधे का परागकण हो सकता है। तो ये याद रखिएगा कि क्रॉस के लिए पूछ रहे हैं कि सेल्फ के लिए। फिर आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट में कि स्त्री केसर में, स्त्री केसर का मतलब आप समझ गए स्टिग्मा में, यह क्षमता होती है कि वह क्या है पराग को पहचान सके। मतलब हमारे पास क्या है बेटा स्त्री केसर मतलब पिस्टिल क्या करती है एबल होती है टू रिकॉग्नाइज क्या है राइट टाइप ऑफ पॉलन, सही प्रकार के पॉलन को पहचानने के लिए। कैसे पहचानती है आइए आगे देखते हैं कि पहचानने के लिए योग्य है कि वह सुयोग्य है कि नहीं है, मतलब सही प्रकार का पॉलन है कंपैटिबल पॉलन आया है कि नॉन कंपैटिबल पॉलन आया है या इनकंपैटिबल आया है। कैसे यदि परागकण बेटा क्या होगा सही प्रकार का होता है तो स्त्री केसर उसे निषेचन के लिए, किसके लिए बेटा निषेचन के लिए, निषेचन के लिए का मतलब पोस्ट क्या है पॉलिनेशन इवेंट, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट का मतलब होता है परागण पश्च घटना के लिए। अब परागण हो गया तो क्या होगा जर्मिनेशन होगा पॉलन का, पॉलन ट्यूब रिलीज होगी और पॉलन ट्यूब से क्या होगा बेटा मेल गैमेट निकलेंगे और क्या होगा पॉलिनेशन होने के बाद निषेचन होगा। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर सही प्रकार का पॉलन है तब क्या होगा स्त्री केसर न उसको क्या करेगी निषेचन के लिए ये देखो प्रोत्साहित करेगी, प्रोत्साहित का मतलब हमारे पास क्या करता है इनकरेज करेगी बढ़ावा देगी आगे जो है भेजेगी कि भैया चलो तुम क्या है जर्मिनेशन करो अगर पॉलन सही है तब। कैसे वह पहचानती है वही हम लोग देखेंगे आगे, केमिकल के द्वारा। और अयोग्य है तो स्त्री केसर वर्तिकाग्र पर क्या कर देगी बेटा पराग के अंकुरण और पराग नलिका ये देखिए पॉलन जर्मिनेशन और क्या है पॉलन ट्यूब की वृद्धि को क्या कर देगी रोक देगी। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि अगर सही प्रकार का पॉलन है तभी स्त्री केसर में जो वर्तिकाग्र होता है सबसे ऊपरी हिस्सा उसमें ये क्षमता पाई जाती है कि वो पॉलन का जर्मिनेशन होने देगी कि नहीं होने देगी और पॉलन ट्यूब को मतलब पराग नलिका को क्या है वृद्धि करने देगी कि नहीं करने देगी। तो अगर सही है तो बेटा क्या है करने देगी, अगर सही नहीं है पॉलन ना मतलब अयोग्य है दूसरी प्रजाति का है या उसी पुष्प का या उसी पादप का है, यहाँ मैं क्रॉस पॉलिनेशन की बात कर रहा हूँ, तब उसको न तो जर्मिनेट होने देगी न पॉलन का अंकुरण होने देगी और न परागकण जो है पराग नलिका को क्या है वृद्धि करने देगी वर्तिकाग्र। यदि बेटा स्वीकृति है, स्वीकृति मतलब सही प्रकार का है, और अस्वीकृति है ये भी देखेंगे,
यह स्वीकृति और अस्वीकृति, मतलब वो जमने देगी, वो पॉलन ट्यूब को जो है अपने अंदर जाने देगी कि नहीं जाने देगी, पराग कणों के अंकुरण को प्रोत्साहित करेगी हतोत्साहित करेगी, ये चीज़ किस पर डिपेंड करता है? ना बेटा देखो, यह स्वीकृति और क्या है अस्वीकृति, पराग कणों और स्त्री केसर, किसके बीच बेटा, पराग कणों और स्त्री केसर के बीच लगातार संवाद से होता है। संवाद मतलब बातचीत, संवाद मतलब बातचीत, संकर्षण इसीलिए लिखा है, इंट्रैक्शन, एक दूसरे से इंट्रैक्ट होते हैं जैसे हम लोग बेटा, तो होता है यह संवाद पराग कणों और क्या बेटा स्त्री केसर के रासायनिक घटकों, बहुत ज़रूरी, यही मेन इम्पॉर्टेंट है कि बेटा पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन किसके द्वारा होता है, केमिकल कंपोनेंट्स के द्वारा होता है। किसका केमिकल कंपोनेंट्स बेटा, वो पॉलन का और क्या है हमारे पास स्त्री केसर मतलब पिस्टिल या कार्पेल का, क्यों, क्योंकि दोनों अगर बेटा एक ही प्रजाति के होंगे तो उनके केमिकल आपस में मैच करेंगे, तब वो जान जाती है कि अरे ये तो हमारा, क्योंकि उसके पास खुद का कान तो है नहीं, खुद की आँख तो है नहीं, खुद का नाक तो है नहीं, तो पॉलन का केमिकल और बेटा स्त्री केसर का जो केमिकल रासायनिक जो घटक होते हैं वो आपस में मैच कर जाते हैं, तब क्या है वो उसके अंकुरण को, किसके पराग कणों के अंकुरण को क्या करती है बेटा प्रोत्साहित, और पराग नलिका को अपने अंदर जाने देती है या वृद्धि करने देती है, कौन वर्तिकाग्र न मतलब कुल मिला के स्त्री केसर। तो बेटा याद रखिएगा केमिकल डायलॉग किसके द्वारा होता है, केमिकल कंपोनेंट्स के द्वारा होता है, इसे केमिकल डायलॉग कहते हैं। हाल ही में सही बात है, अभी क्या है वैज्ञानिकों ने कुछ रासायनिक घटकों का क्या बेटा पता लगाया है, तो कुछ ऐसे हमको केमिकल कंपोनेंट्स मिले हैं जिनको वैज्ञानिकों ने अभी खोज लिया है, जिनके द्वारा पॉलन और क्या है बेटा पिस्टिल के बीच में इंट्रैक्शन होता है, बातचीत होता है। अब आइए देखते हैं कि अब आगे क्या होगा, तो थोड़ा सा हम आपको रिमाइंड करवाते हैं और आगे बताते हैं कि बेटा आगे क्या होगा। देखिए मान लीजिए हमारे पास बेटा ये एक क्या है, ये आप समझ गए हैं कि पूरा का पूरा स्टामेन है, स्टामेन मतलब आप जानते हैं एक पुंकेसर है, इस पुंकेसर में बेटा क्या भरे हैं पराग कण भरे हैं महाराज। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरा, थोड़ा इसको बड़ा बनाना है हमको क्योंकि यहीं पे तो पूरा मामला दिखाना है, तो बेटा ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है पिस्टिल कार्पेल या जिसे हम क्या कहते हैं एक स्त्री केसर कहते हैं, ये वाला भाग जो है महाराज स्टिग्मा है, क्या है स्टिग्मा। बच्चों ये पीछे आपको बता चुके हैं पढ़ा चुके हैं, जिन्होंने ना देखा होगा उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है 100 times को सब्सक्राइब करिए, जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो, और जो है प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में लिखा है कि बायोलॉजी फॉर क्लास 12th ना कक्षा जीव विज्ञान कक्षा 12 यूपी बोर्ड के लिए, तो इसलिए हिंदी में ये पढ़ा रहे हैं, सिर्फ ये यूपी बोर्ड के लिए नहीं है 100% ये नीट के लिए है, बस लैंग्वेज हिंदी की है ताकि यूपी बोर्ड वाले भी अच्छे से जो है नीट में सेलेक्ट हो सकें और अपना जो है यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो भी 95 क्या है प्लस से जो है बेटा नंबरों से अच्छे से क्रैक करें और नीट में आपका सिलेक्शन पक्का होगा अगर आपने हमारी तरीके से हमारे कहने पे एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया व एमसीक्यूज कर लिया। तो आपसे हम यही कहेंगे कि आप जो है चाहे 11th में हो चाहे आप 12th में हो, आप जो है अभी से जो है एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ही अच्छे से सीख लीजिए, और उसके लिए ही हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको पढ़ाते हैं बेटा। इसमें बिल्कुल संकोच मत करिए, शर्म मत करिए कि हाय राम किताब पढ़ रहे हैं, अरे राम जी किताब नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सिलेबस तो किताब ही है, वो भी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बेस्ड नहीं, ओरिजिनल असली एनसीईआरटी। तो आइए बेटा देखते हैं स्टिग्मा, और स्टिग्मा के बाद ये क्या है जो है स्टाइल, क्या बेटा स्टाइल, ये जो फूला सा बड़ा सा हम इसको जानबूझ के बनाएं क्योंकि इसके अंदर अभी ओव्यूल बनाएंगे, देखेंगे कैसे हमारे पास बेटा पॉलिनेशन के बाद क्या क्या चीज़ होता है। तो ये जो हमारे पास बेसल पार्ट है इसे हम ओवरी या जेटा बेटा क्या कहते हैं अंडाशय, स्टिग्मा को आप जानते हैं वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और ये क्या है अंडाशय, इसी अंडाशय में आपको पता है कि हमारे पास क्या रहता है बेटा ओव्यूल, ओव्यूल बोले तो जिसे हम क्या कहते हैं बीजांड कहते हैं, और इसी को बेटा क्या कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं, और आपने देखा था कि यही हमारे पास बेटा क्या है ओव्यूल के ही अंदर
हमारे पास सेल्स ऑफ न्यूक्लियस था, जिसमें क्या है, सेल्स ऑफ न्यूक्लियस से 4 मेगास्पोर बने थे। 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर क्या डिजनरेट हो गए थे, मतलब नष्ट हो गए थे, और 1 मेगास्पोर जिसे फंक्शनल मेगास्पोर कहा जाता है, वही बेटा किसमें, एम्ब्रियो से एक भ्रूण क्या है, किसमें बेटा, कोष में बदल गया था। तो यही ओव्यूल अब जो है ये भ्रूण कोष में बदल गया है, अब हमको यहीं पे दिखाना है। भ्रूण कोष का मतलब जिसे हम लोग बेटा इम्ब्रियो सैक कहते हैं ना, तो फीमेल गैमेटोफाइट मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद इसलिए नाम है कि इसमें क्या है, मादा हमारे पास बेटा क्या रहती है, अंडकोशिका। तो ये देखो अंडकोशिका ये है, ये दोनों सिनर्जिट्स हैं। हम लोगों ने ये देखा था कि इसमें 3 क्या है एंटीपोडल सेल्स पाई जाती थी न, प्रतिव्यासांत कोशिकाएँ, और यहाँ पे बेटा ये एक सेंट्रल सेल था ये वाला, यहाँ पे 2 क्या है बेटा हम लोगों को पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते थे। यहाँ पे बच्चों हमने देखा था, इसीलिए सब कुछ बना रहे हैं यहीं, इसी के अंदर बेटा क्या था, तंतुमय ऐसे समुच्चय पाए जाते थे जिसे फिलीफॉर्म एपरेटस कहा जाता था, क्योंकि ये गाइड का काम करते हैं। पोलन ट्यूब किधर से जाए ना, ये गाइड का काम करते हैं। जैसे आप किसी अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं और उसको क्या है आप जानते नहीं, तो गाइड करने का, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि हीरोइन जिस छत पे है, जिस कमरे पे है, सहेलियां उसको बताती हैं कि यहाँ से ऐसे जाना है। तो बेटा इसीलिए इसका नाम ही है सखी कोशिकाएँ, और ये क्या है अंड कोशिका। इन सब में भी, सब में जितने भी थे आपने देखा था, एक एक केंद्रक था, एक यहाँ पे केंद्रक इसका, एक इसका केंद्रक, ये अंड कोशिका एक सेल है, ये एंटीपोडल हैं तीनों ना, ये हमारे पास 2 थोड़े हैं जिसे पोलर न्यूक्लियाई कहते थे। अब मामला क्या होगा, यहाँ पे से देखो बेटा, यहाँ से हमारे पास पोलन जाएगा, यहाँ से जब हमारे पास पोलन गया ये देखिए, तो इसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। ये क्या है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब आप जानते हैं परागण, क्या हो गया बेटा पॉलिनेशन, मतलब परागकण पहुंच गया। अब परागकण अगर एक ही स्पीसीज का है, सेम का है, मतलब कंपैटिबल है, मतलब योग्य है ना, तो इसके और इसके बीच ये देखो जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा बोले तो वर्तिकाग्र, क्या बोले तो बेटा वर्तिकाग्र, जो अभी आपको बताए थे वर्तिकाग्र, और किसके बीच बेटा, प्लस क्या है परागकण, पराग कण, ये देखिए के बीच, ये क्या होगा रासायनिक घटक मैच करेंगे, मतलब इन दोनों के बीच में क्या होता है बेटा इंट्रैक्शन, इंटरैक्शन संकर्षण, ये इंट्रैक्शन किसके द्वारा होता है बेटा, इन दोनों के केमिकल कंपोनेंट के द्वारा, किसके द्वारा महाराज, याद रखिए मेरे साथ बोलिए अच्छे से पढ़िए, केमिकल कंपोनेंट के द्वारा बच्चों, रासायनिक घटकों के द्वारा। अब जब क्या है दोनों का केमिकल मैच कर गया, वो जान गई अरे ये तो अपना ही है, अपनी ही प्रजाति का है, तो वो क्या करती है वर्तिकाग्र, क्या है ये बेटा अलाउ कर देती है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो जब पराग कणों का, उसके बाद क्या होगा बेटा अंकुरण, क्या होगा अंकुरण, क्या होगा जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। देखिए बोल तो रहे हैं बेटा हिंदी में ही जर्मिनेशन ऑफ पोलन, तो थोड़ा इंग्लिश में जल्दी से लिख लेते हैं, तो पोलन का जर्मिनेशन होगा, और जब पोलन का जर्मिनेशन होगा तो उसमें से क्या होगा पोलन ट्यूब, क्या होगा पोलन ट्यूब का क्या करेगी बेटा ग्रोथ, ग्रोथ बोले तो वृद्धि ना। तो आइए इतना पहले आइटम आपको दिखा देते हैं बच्चों, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड रहिए, अच्छे से पढ़िए क्लास, ताकि इंटरेस्टिंग हो ना, हंस हंस के पढ़िए, खुश हो के पढ़िए ना, रोमांचकारी बनिए ना, बिल्कुल एकदम बिंदास पढ़िए, आपको सब्जेक्ट आना चाहिए बस आप। तो बेटा ये हमारे पास क्या हुआ, देखिए ये पोलन था, तो अगर कंपेटिबल है राइट टाइप का पोलन है, तो यहाँ से बेटा ऐसे 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 क्या होगा पोलन ट्यूब, पराग नलिका निकलेगी, इसी में से कोई क्या है बेटा पराग नलिका वृद्धि करके ऐसे 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 आएगी, माइक्रोपाइलर क्या है बेटा छोर की तरफ चली जाएगी। माइक्रोपाइलर छोर का मतलब आप जानते हैं बीजांड द्वारी सिरे के पास तरफ, बीजांड द्वारी सिरे में कि ये दो से हमारे पास बेटा फिलीफॉर्म एपरेटस हैं, जिसे हम तंतुमय समुच्चय कहते थे, क्या कहते थे तंतुमय समुच्चय, इसे कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस।
तंतुमय बेटा क्या है? समुच्चय। तो ये तंतुमय समुच्चय ही गाइड करते हैं। ये क्या है? सखी कोशिकाएं। पॉलन यहाँ से जाएगा, इसी समय बेटा क्या होगा, बच्चा पूरी, इसीलिए स्टोरी पूरी दिखा दे रहे हैं। तो क्या है, इसमें नर युग्मक निकलते हैं। क्या है नर युग्मक? बोले तो मेल गैमिट। क्या है बेटा? मेल गैमिट। ये क्या है? मेल गैमिट, नर युग्मक। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको इतनी इंग्लिश पढ़नी ही पड़ेगी, तभी सिलेक्शन होगा। मेल गैमिट बेटा क्या है? नर युग्मक। टर्म तो ज़रूर आने चाहिए। तो ये देखो हमारे पास नर युग्मक यहाँ से ऐसे चला गया ना, एक नर युग्मक बेटा यहाँ जाएगा और यहीं से कहीं से ऐसे कट करके क्या होगा, अंडकोशिका एग सेल। ये क्या था? एग सेल, अंडकोशिका के बेटा क्या है, केंद्रक से फ्यूज हो जाएगा। ये देखो अब यहाँ गया और यहाँ गया, खच्चाक। ये क्या हो गया तब? फर्टिलाइजेशन। क्या हो गया बेटा? फर्टिलाइजेशन। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन संपन्न हुआ, सिनर्जिट्स वगैरह क्या हो जाएंगी, सहायक कोशिकाएं, फिलिफॉर्म प्रेटस, ये सब क्या हो जाएंगे बेटा? नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। और ये खट्टाक्ष निषेचन के बाद क्या बन गया? जाइगोट। क्या बन गया बेटा? जाइगोट, युग्मनज। तो ये जाइगोट का बनना, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट क्या होता है बेटा? रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। आपसे ये भी पूछेंगे कि युग्मनज का बनना या युग्मनज किसका परिणाम है बेटा? निषेचन का परिणाम है ना। तो एक ठो सर जी मेल गैमेट का हुआ एक वाला, तो यहाँ फिर ये वाला क्या हुआ? ये भी जाएगा और ये जा करके प्रभु क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास है कौन सा, लार्ज सेंट्रल सेल, बड़ी में जो पोलर न्यूक्लियाई हैं उनसे फ्यूज करेगा। दो ही बार संलयन हुआ, दो ही फ्यूजन हुआ, और इसी दो फ्यूजन को बेटा डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं ना। और ये बनाएगा पूरा क्या, ये पूरा बना लेगा एंडो क्या है, स्पर्म। एंडो स्पर्म का मतलब भ्रूण कोश, भ्रूण को पोषण देने वाला, क्योंकि अब यही जाइगोट एम्ब्रियो में तब्दील होगा। तो बेटा एंडो स्पर्म। तो ये सारी चीज़ें पॉलिनेशन के बाद होती हैं। तो अभी हम आगे बेटा फिर से देखें कि जाइगोट क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो अभी हम आपको दिखा दिए कि एक बार यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ और एक बार क्या है, यहाँ फर्टिलाइजेशन, दो ही बार। इसीलिए क्या होता है, हम कहते हैं कि एंजियोस्पर्म में, याद रखिएगा, और जो रिपीटर्स बच्चे हैं वो तो ज़रूर याद रखें, हम लोगों ने इसीलिए कहा कि क्या होता है बेटा, एंजियोस्पर्म में ही डबल फर्टिलाइजेशन होता है, दोहरा निषेचन होता है। आखिर दोहरा निषेचन कहते किसे हैं? तो दोहरा निषेचन हम लोग जब क्या है, दूसरा नरयुग्मक क्या बेटा, लार्ज सेंट्रल सेल के क्या है, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है, तो उसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं, क्योंकि एक बार पहले यहाँ हो चुका था। और दोहरा निषेचन के फलस्वरूप एंडोस्पर्म, भ्रूण कोष का निर्माण होता है, मतलब जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये जो जाइगोट बना है, अब ये एम्ब्रियो में क्या है बेटा, तब्दील होगा, उसको इस जाइगोट को पोषण प्रदान करता है। तो बच्चों इसको अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये डायग्राम आप बना करके अच्छे से इसी प्रकार से समझिए जैसे हमने आपको बताया है, और जो हम क्वेश्चन पोस्ट करते हैं उसका आप आंसर ज़रूर दिया करिए। तो चलिए बच्चों, हम जो है फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, किसके साथ, हम देखेंगे क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन ना, अभी जो आपको बता चुके हैं, हम फिर देखेंगे कैसे हमारे पास बेटा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो बच्चों आपसे कहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो उसको लाइक ज़रूर करिए और कमेंट भी करिए, और जो है बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए जिन्होंने ना किया हो, 100% आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।